नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर दें। तो सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। झारखंड में शुरू हो चुका है विधानसभा सत्र। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक आयोजित होगा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने 18 सितंबर से विधानसभा के मानसून सत्र आहूत करने से राज्य सरकार को प्रस्ताव पर गुरुवार को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश करने के साथ ही प्रश्नोत्तर काल भी होगा। एक लड़की को 500 किलोमीटर दूर घर पहुंचाने के लिए रेलवे ने चलाई राजधानी एक्सप्रेस, जानिए क्या है पूरा मामला। भारतीय रेलवे के इतिहास में शायद ही इससे पहले ऐसा मौका आया हो जब सिर्फ एक यात्री के लिए रेलवे को राजधानी एक्सप्रेस चलानी पड़ी हो। दरअसल झारखंड में 3 दिन से टाना भगत आंदोलन कर रहे, इस कारण कई ट्रेनें बीच रास्ते में ही फंसी है। रेलवे यात्रियों को बसों से उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। ऐसे में डाल्टनगंज में फंसी एक छात्रा जिद पर अड़ गई कि वह बस से नहीं जाएगी। इसके बाद रेलवे ने उसके लिए राजधानी एक्सप्रेस चलवाई और उसे दूसरे रूट से घर भेजा। जानकारी के मुताबिक बीएचयू में पढ़ने वाली एक छात्रा अपने घर आने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से रांची के लिए नई दिल्ली रांची स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस में बैठी थी। टाटा स्टील के निर्माण समाधान व्यवसाय उधम नेस्ट इन ने स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए स्पेशल कोविड-19 स्वाब कलेक्शन यूनिट विकसित किया है। इसमें सैंपल कलेक्शन के दौरान संक्रमण का खतरा कम रहेगा। नेस्ट इन डिजाइन एंड डेवलपमेंट की टीम ने काफी अध्ययन के बाद इसे विकसित किया है। यह अभिनव इकाई टेस्ट ट्यूब के संपर्क रहित आदान प्रदान को सुनिश्चित करती है। यह दो तरफा माइक और स्पीकर सिस्टम से लैस है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल और मरीज के बीच स्पष्ट संचार की सुविधा देती है। अंदर आरामदायक व मनोकूल वातावरण प्रदान करने के लिए दो इंसुलेट किए गए पैनलों का उपयोग किया गया है। यूनिट इन बिल्ट कीटाणुनाशक स्प्रे से लैस है। प्रत्येक सैंपल कलेक्शन के बाद यूनिट को सैनिटाइज करने के लिए अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता नहीं रहती है। BBUNL से रोजगार मांगने वालों पर बरसी पुलिस की लाठी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड प्रबंधन से रोजगार मांगने वाले गरीब मजदूरों पर पुलिस की लाठी बरसी है। इसके बाद पूरे पतरातू क्षेत्र में तनाव का माहौल कायम हो गया है। तनावपूर्ण स्थिति पर काबू पाने के लिए पतरातू में धारा 144 भी लागू कर दिया गया है। BBUNL प्रबंधन के खिलाफ विस्थापित प्रभावी संघर्ष मोर्चा ने शांतिपूर्ण आंदोलन की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद संगठन के बैनर तले लगभग 25 गांवों के लोग निर्मल माथुर स्मारक के समीप धरना पर बैठ गए। पिछले 3 दिनों से यह शांतिपूर्ण धरना पल रहा था। गुरुवार की देर रात पतरातू पुलिस धरना स्थल पर पहुंची और लोगों को अपना धरना समाप्त करने को कहा। जब उन्होंने नहीं माना तो पुलिस ने उन पर लाठी बरसा दी। कोरोना महामारी के दौरान शुरुआती दौर में बोकारो के लोगों ने सावधानी बरती। ज्यों ज्यों दिन गुजरता गया बोकारो वासी भी लापरवाह होते गए। लोग प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं।